खास है संजय लीला भंसाली और आशुतोष गोवारिकर की फिल्मों में? किस फिल्म में रंग भर उसे किया गया था री रिलीज? अपनी पहली और दूसरी पत्नी के साथ कैसे थे बाजीराव के संबंध? हमारे यहाँ भारत में फिल्मों को बहुत अहमियत दी जाती है, खासकर कि हिंदी फिल्मों को तो समाज बदलाव लाने के लिए भी श्रेय दिया जाता है। समय समय पर ऐसी कई फिल्में आती हैं जिनसे दर्शक जुड़ पाते हैं, खुद को उस किरदार में देख पाते हैं। उनसे हटकर पीरियड फिल्म एक ऐसा जॉनर है जिसे हम अपने इतिहास को जी पाते हैं और जान पाते हैं। बॉलीवुड में भी कई बेहतरीन पीरियड ड्रामा फिल्में आई जिनमें से कुछ ऐसी हैं जो दर्शकों के दिलों में आज तक भी ताजा हैं। आइए आज की इस वीडियो में ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं। पहली फिल्म रही मुगले आजम जो 1960 में आई थी। अगर इसे बॉलीवुड की सबसे मशहूर पीरियड फिल्म भी कह दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। ये आसिफ के निर्देशन में बनी ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब तो इसका क्रेज लोगों में था ही, उससे भी ज्यादा इसकी चर्चा तब हुई जब 2004 में इसमें डिजिटली रंग भर इसे दोबारा रिलीज किया गया। ऐसा करने वाली ये पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनी। आज तक भी लोग इसके गाने और कमाल के डायलॉग्स याद करते हैं। इसके साथ दूसरी फिल्म रही लगान जो 2001 में आई। आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित ये फिल्म तो अपनी अलग ही एक फैन बेस रखती है। ब्रिटिश राज के समय में स्थित इस फिल्म में आमिर खान और ग्रेसी सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे। वर्ल्ड सिनेमा की 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म 55th नंबर पर आती है, जो अपने आप में बहुत खास है। तीसरी फिल्म रही 2008 की रिलीज जोधा अकबर। ये कहना गलत नहीं होगा कि आशुतोष गोवारिकर और संजय लीला भंसाली ने बॉलीवुड में बेस्ट सेट्स के साथ कई खूबसूरत फिल्में दी हैं। आशुतोष की इस फिल्म में मुगलों के उस समय को दिखाया गया है जब शहंशाह अकबर राज करते थे। यहाँ अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय मुख्य किरदारों में थे। चौथी फिल्म रही बाजीराव मस्तानी जो 2015 में आई। लीजिए, संजय लीला भंसाली का नाम भी आ ही गया। ये फिल्म मराठा पेशवा बाजीराव और उनकी पत्नी काशीबाई और उनके प्रेम प्रसंग व दूसरी पत्नी मस्तानी की कहानी पर आधारित थी। क्या आप जानते हैं कि संजय को इस फिल्म का आइडिया असल में 90s में ही आया था, जिसकी घोषणा उन्होंने 2003 में की और फिर सालों की रिसर्च और कास्टिंग के बाद ये फिल्म 2015 में आई। ये तो थी एक छोटी सी लिस्ट ऐसी कहानियों पर आधारित फिल्मों की। हमारी अगली वीडियो में हम आपको कई और ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसी फिल्मों के फैन हैं तो आपके लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। जी हाँ, बाहुबली फेम निर्देशक SS राजामौली जल्द ही आपके सामने ऐसी फिल्म ला रहे हैं जो एक पीरियड एक्शन ड्रामा होगी। इसमें रामचरण, एनटी रामाराव जूनियर, आलिया भट्ट, अजय देवगन समेत और भी कई स्टार्स होंगे। ये एक रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड होगी। आपको बता दें कि फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को सिनेमा घरों में आपके सामने आएगी। और फिल्म से जुड़ी बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और फिलहाल इस वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।